नमस्कार दोस्तों, यार स्वागत है आप सभी लोगों का GTA 5 की सीरीज़ में। सो भाई GTA 5 की सीरीज़ जो है स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने। सो चलते हैं भाई GTA 5 की सीरीज़ करते हैं ऐसे स्टार्ट से। एपिसोड फर्स्ट है भाई, अभी फिलहाल जब मैं हूँ भाई यहाँ पर, ये जाना माना क्लब है लॉस सैंटोस का। सो क्लब में थोड़ा पार्टी वार्टी मज़े वजे किया, फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। बहुत हो गए मज़े, घर पर जो है वाइफ वो इंतजार कर रही होगी। सो ये फिलहाल हमारी गाड़ी है, ठीक है, और घर हमारा जो है, हाँ ये रहा। सो ये हमारा घर है भाई, चलते हैं घर की तरफ। सो चले भाई। ओ फोन आ रहा है। Look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. तो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोन आया था वो आया था सिमियन का भाई। वो कह रहा था कि तुम्हें बना दिया गया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। एक्चुअली बात क्या थी, सिमियन हमारी पहचान बड़ी भाई, जब से इसने हमें कॉन्टैक्ट दिया था, लैमर और मुझे दोनों कॉन्टैक्ट दिया था कि तुम्हें दो गाड़ियाँ चुरानी है। उसके बदले में उसने मुझे गाड़ी दी और बाकी मैंने लैमर की मदद करी कि उसे एक बाइक मिल सके। उसे बाइक चाहिए थी, मुझे कार चाहिए थी, दोनों को मिल गई भाई हैं। और दोनों भाई अपने सफ़र पे निकल पड़े। फिलहाल लैमर से मुलाकात होती रहती है हमारी, आपस में अब फ्रेंड्स बन चुके हैं और बाकी सिमियन से भी कॉन्टैक्ट लेते रहते हैं। सो ये मेरा घर है दोस्तों, देख सकते हो। फिलहाल चलते हैं अपने घर के अंदर। ओहो भाई घर में कोई मेहमान आया लगता है। ये मेरी वाइफ के साथ कौन है वे? सो दोस्तों ये जो है, ये है भाई इसकी फ्रैंकलिन की जो वाइफ है, बाकी ये जो आई है भैया इसकी जो सहेली वहेली फ्रैंकलिन जो होगी मुझे पता नहीं, ठीक है। ये मिलती रहती है पता नहीं कभी किसी को, कभी किसी को बुलाती रहती है और इसे कोई ना कोई उठ के पहाड़ पे चढ़ा के चला जाता है, ठीक है। अब इसे जाने दो फिलहाल, फिर चलेंगे घर की तरफ। ये बड़े ही बेवकूफ़ है भाई फ्रैंकलिन, ऐसा मानता है। फिलहाल चलता है भाई फ्रैंकलिन घर में ले चलते हैं अपने। ओहो F, is that your auntie? Lamar. Yeah, God, I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. सो दोस्तों भाई यही है वो लैमर भाई जिसने हमारे साथ, मतलब मेरे साथ मिलकर सिमियन को भाई कार लाके दी थी, और सिमियन ने हमें दोनों को दी थी। मुझे कार दी थी, इसे बाइक चाहिए थी, इसे बाइक दिलवाई थी मैंने, वो भी चाहिए थी। और बाकी इसके साथ इसका जो है भाई, ये डॉगी है, इसका पपी भाई कह सकते हैं, इसका पेट है, तो इसका नाम है भाई चोप, ठीक है। इसके पेट का नाम है चोप और बाकी लैमर है और मैं फ्रैंकलिन। चलते हैं भाई, अभी बता नहीं रहा है कि लैमर हमें कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन लैमर कह रहा है सीधा भाई फॉलो करो, ठीक है। फिलहाल देखते हैं लैमर आज कहाँ पर लेकर चलता है भाई, शायद कोई आई है पार्टी वार्टी इसे हम लूटेंगे आज। सो फिलहाल चलेंगे भाई, लेकिन जाएंगे किसमें भाई, पैदल थोड़ी जाना है यार। ओहो वाह, लैमर वैन लेके आया भाई, ये भी किसी और की चोरी करवा रहा है। चलो भाई कोई नहीं, हमें तो चलाने से मतलब है। ओ चोप को डाल देता है भाई पीछे, चलो पीछे वाले डिग्गी में डाल देता है। चलो पीछे चोप बैठ रहेगा, बाकी लैमर जो है आगे बैठेगा, और लैमर भाई हमें बताने वाला है रास्ता कि हमें कहाँ जाना है। तो फिलहाल लैमर को हम करेंगे फॉलो, लैमर हमें बताएगा कहाँ जाना है। सो चलो भाई, सो भाई हमें इसका जो चोप है वो काफ़ी पसंद आया भाई, अच्छा लगा मुझे इसका चोप जो है भाई, काफ़ी हेल्थी है। और फिलहाल देखते हैं भाई इसमें क्या क्या स्किल्स है इसके चोप में, सो वो तो भाई जान के पता लगेगा। फिलहाल देखेंगे चोप को भाई लेकर जा रहा है, यानी कि चोप को भी कुछ ना किसी मिशन पर लेकर जा रहा होगा लैमर, नहीं तो भाई ये चोप को जल्दी से निकालता नहीं है लैमर। तो फिलहाल चलते हैं भाई जहाँ पर लेकर चलता है। सो भाई लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं, बता रहा है लैम्बर ने कही है साइड में लगा थोड़ा। चलो भाई यहाँ पर साइड में लगा लेते हैं, हाँ ये रहा यहाँ पर लगा लेते हैं थोड़ा, हाँ यही है। आज की चल रही है भाई यहाँ पर, वाह ओ भाई वाह, गुंडे बन गए हम, ठीक है। फ्रैंकलिन और लैमर दोनों बन चुके हैं बदमाश भाई। ये जो है इनका भाई रियल सीन बिल्कुल जो दिखाया जाता है शुरू में पोस्टर में दिखाया जाता है, इनका जो टेम्पलेट होता है उसमें थंबनेल जो होता है उसमें दिखाई देते हैं। I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Marquez, gangsters, insignia, mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? भाई लैमर को लग रहा है कि स्नेचर है भाई, तो लैमर इसे शूट करने वाला था। ओ भाई लेकिन ये भाई निकल चुका भाई, स्टंट मैन बनना है पूरा। निकलो भाई जल्दी से,
भाई यहाँ पर फ्रैंकलिन जो है भाई यहाँ पर गाड़ी चलाएगा और लैमर भाई कितनी तेजी में आगे बढ़ा भाई। फिलहाल चलते हैं जल्दी से। ओहो ये चोप ही बोक रहा है, चलो चोप को अभी नहीं छोड़ेंगे, आगे छोड़ेंगे, उसका पीछा चोप ही करेगा, लेकिन फिलहाल अभी गाड़ी से चलते हैं वो बाइक पे भाई। पहले उसे बाइक से किसी तरह उतारना है। भाई अब समझ में आया भाई चोप को किस लिए लाया लैमर भाई, इसके पीछे भगवाएगा अभी पता नहीं। फिलहाल हम चलते हैं, अभी तो गाड़ी से उसको पीछे करेंगे। You seen that bitch back there? She a dime. I'm all over that. And she probably the same, like I said. Hey, bhagwan, raste se hat jao yaro. You worse than Chuck. Do that weird like focus shit you do. Don't get careless, homie. Focus shit you do. भाई काफी तेज है ये बाइक पे, मतलब तो हमारी वैन है, हम वैन को ज्यादा तेज भगा नहीं सकते। ओहो ये मोड़ा तो हम भी मोड़ेंगे अपनी गाड़ी। बेटा छोड़ने वाला नहीं हो फ्रैंकलिन है। ओ भाई बस के टक्कर लगवा दी भाई, बस को बस से भिड़ा दिया। कोई नहीं पीछे नहीं छोड़ना। ओ शिट यार सही है। ओए लैमर भाई जल्दी, यही मौका है, भाग रहा है वो। अरे लैमर यार चोप को खोल ले, कह रहा है चोप को खोलते हैं। फिलहाल जल्दी जल्दी चोप को खोलना यार। गो चोप जा, पकड़ उसे, छोड़ियो मत, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी लेके आओ लैमर भाई, मैं चलता हूँ इसके पीछे। लगता है भाई चोप जो है भाई काफी फुर्तीला दिख रहा है भाई। देखो भाई हमेशा उसके उसने उसकी महक सूंघ लिया, तो भाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगा चोप हमारा। फिलहाल चलते हैं। ओ दीवार, ओ चोप को ले रास्ता है, चोप जा सकता है। ठीक है हम चलते हैं ऊपर से। सो चोप छोड़ना मत, मैं आ रहा हूँ पीछे, शाबाश चोप। बेटा चोप से बच के नहीं जा सकता कोई भी भाई। ओ शिट चोप का रास्ता बंद है, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ आ जाओ चोप जल्दी। भाई फ्रैंकलिन तो भाई भाग नहीं पा रहा सही से, लेकिन फिलहाल देखते हैं भाई चोप जरूर पकड़ लेगा उसे भाई। चोप को हमें फॉलो करना है सिर्फ। ए भगवान चलो। हाँ तो चोप भाई चलते हैं चोप के पीछे, बस चोप की आवाज़ सुनते रहना है हमें, चोप किधर जा रहा है उसे देखते भी रहना, फॉलो करना है सिर्फ चोप को। ओके ओ सिर्फ भाई ये ट्रेन पर लटक के जा रहा है, ये क्या हो गया? चोप पता करो भाई, चोप को जो है भाई मैक्स सुन चुकी है उसकी भाई, चोप जानता है कहाँ है। चोप को अगर खुशबू आ जाए उसकी तो, अरे यार चोप यार ढूंढ ले उसे यार। हाँ लगता है चोप को भाई उसकी खुशबू आ रही है भाई आसपास ही। सो फिलहाल चोप को हमें फॉलो करना है। हाँ भाई चोप वहाँ रुक चुका है, यानी कि लगता है वहाँ पर कुछ है आसपास। चलो फिलहाल देखते हैं चल के। ट्रेन के जो बग्घियाँ हैं यहाँ पर सूंघ रहा है भाई, चलो यहाँ देखते हैं खोल कर। हाँ ये रहा एक गेट है, इसमें खोल कर देखते हैं, क्या पता इनमें कहीं पर छिप गया हो। हाँ क्योंकि ट्रेन तो भाई रुकी हुई है यहाँ पर। चलो खाली है, कोई नहीं है भाई, लगता है आगे वाले में देखना पड़ेगा। चोप आगे सूंघ रहा है, चोप को भाई उसकी स्मेल याद है, तो चोप कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा उसे। हाँ पता करो चोप जल्दी, यू कैन डू इट। ओ सच यार ये भी खाली है, चोप ये भी नहीं है भाई, चोप ढूंढो। हाँ कम ऑन चोप भाई, चोप ढूंढ लेगा, ऐसा नहीं है, कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। लगता है चोप को कुछ सूंघा। हाँ लगता है मिल गया भाई, यस अब कहाँ बच के जाएगा। ओ अरे भाई ये तो नहीं है, ए भगवान प्यार में पागल। अरे ओ अबे यार ये लैमर का कुत्ता भाई, ये कभी नहीं सुधरेगा भाई, जवानी ने भाई बर्बाद कर रखा है इसे भी। ए भगवान आ जा भाई चोप, यार ये तो सीटी मारने से भी नहीं आ रहा। ए भगवान इस जानवरों को भी जवानी चढ़ रही है भाई, मिशन पे ध्यान दे यार।
मैं चो पा नहीं रहा भाई, सीटी इतनी बजाने के बाद ये ऐसा नहीं मानेगा, इसे पकड़ के लाना पड़ेगा भाई। बाद में कर लियो ये सब काम, पहले मिशन कर ले। लैम्बर ने तो यही ट्रेनिंग दी थी। ए बाप, जवानी ने बर्बाद कर रखा है। सो भाई लगता है पता लगा कुछ। हाँ चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या? हाँ हाँ उसे मैक्स सुनाई दे रही है आसपास। चलो इसे खोल के देखते हैं, मुश्किल लगता है इसमें होगा। हाँ ओ भाई चोप मिल गया भाई, पकड़ो चोप। हाँ अब कहाँ जाएगा बच के? यस बहुत अच्छे चोप भाई, चोप ने कर लिया इसे पकड़। फिलहाल चोप को हटाना पड़ेगा नहीं तो चोप इसे मार देगा। रुको चोप भाई। हाँ लैम्बर भी आ चुका है भाई यहाँ पर, देखो भाई गाड़ी लेकर अपनी। हाँ फिलहाल हम इसे गाड़ी में डालेंगे यहाँ से और लेकर चलेंगे। फिलहाल देखते हैं कहाँ लेकर जाना है भाई। लैम्बर अपने आप देखेगा। हाँ चोप को बीच में डाल देते हैं भाई ताकि भागने की कोशिश करे तो चोप इसे भेड़ दे पूरी तरह से। फिलहाल हम गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलो चलते हैं। सो भाई चलते हैं भाई, यहाँ पर हमें लेकर चलना है भाई। फिलहाल बताता रहेगा ये लैम्बर हमें। लेकिन भाई लैम्बर ने हमें बताया नहीं कि हमने इसे क्यों पकड़ा, आखिर इसने ऐसा क्या किया। लैम्बर किससे बात कर रहा है भाई फोन पे? भाई टाइम नहीं है आइडिया में से। भाई सही में ये फोन पे लगा पड़ा है चैटिंग करने में, हम इससे पूछ रहे हैं कि किस लिए उठाए, से बता ही रहा है इस। भाई समेश प्यार ने सबको पागल कर रखा है, एक इसका कुत्ता भी ऐसी है प्यार में पागल और ये भी इतना पागल, भाई किसी को देखे नहीं भाई। मुझे तो लगता है भाई इसकी बंदी को लैमर की जो गर्लफ्रेंड है इसे छेड़ दिया होगा इस बंदे ने, इसे इसे उठा लिया खामखा बेचारे को। जाने देते हैं भाई, सही में यार प्यार ने बर्बाद कर रखा है इनकी, भाई भविष्य खतरे में ऐसे लोगों का भाई। लैमर को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। सो फिलहाल भाई लैम्बर को छोड़ देते हैं यहाँ पर भाई। गाली दी लैम्बर ने भाई फ्रैंकलिन को। भाई फ्रैंकलिन को कम मत समझना, फ्रैंकलिन भी तुम्हें गाली दे सकता है लैम्बर। हाँ गैंग को मदर फकर बोलोगे भाई, तू है मदर फकर। मूड खराब कर दिया भाई। चलो भाई चलते हैं अपने घर की तरफ यार, मतलब बिना मतलब में, बिना मतलब में बेचारे एक जवान लौंडे को उठवा दिया, कोई फायदा नहीं भाई। मतलब ऐसे काम भी लैमर हमसे करवाने लग गया भाई, मतलब एक छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा, बिना किसी पैसे के भाई। फिलहाल चलते हैं भाई घर की तरफ, गाड़ी करेंगे पार्क। अच्छा खासा मैं घर में जाने वाला था भाई सोने के लिए, अच्छा खासा मैं सोचा थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूंगा क्लब से आते तो लैमर लेके आ गया मुझे यहाँ पर। सो भाई आ गए हम घर पे, सुबह से शाम कर दी इसने भाई। चलो गाड़ी कर लेते हैं यहाँ पर पार्क, अपनी कार भी यहीं पर है। चलो सीधी बस पीछे हो गया, हम गैराज में यहीं खड़ी करेंगे इसके बगल में। सो फिलहाल चलते हैं भाई घर के अंदर। सो फिलहाल भाई यहाँ का तो इतना ही था। ये है भाई घर, देख सकते हो भाई ये मेरा घर है। ए भगवान, इसकी एक्सरसाइज सुबह से शाम तक चलती है, ये नहीं सुधरने वाली भाई। सुबह शाम इसकी एक्सरसाइज ही चलती है। और रसोई सफाई उफाई करी इसने? हाँ सफाई पूरी क्लीन है भाई, यानी कि सही है भाई। चलो अब करने दो इसे, एक्सरसाइज कर रही है, कम हो जाए इसका मोटापा। सो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड 2 के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना है, लेकिन भाई आज का जो है लैम्बर ने हमारा टाइम जो है पूरा बर्बाद करवा दिया। सो भाई टीवी भी चालू करते हैं, देखते हैं अपना टीवी, रेस्ट करते हैं भाई। फिलहाल फ्रैंकलिन को जो है आराम करने देते हैं, फिलहाल चलते हैं। सो बाय बाय गाइस, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को।